प्यारे बच्चों, आपका व्याकरण में अध्याय 7 संज्ञा के विकार लेख वजन कारक चल रहा है। ठीक है, हमने इसे बच्चों लेख और वजन दोनों समझ लिए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कारक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कारक क्या है, यानी कारक की परिभाषा। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से, यानी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, दोहराती हूं इसको मैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते। ठीक है, आप कैसे, उदाहरण है जैसे रवि ने शाम को पुस्तक दी। रवि संज्ञा हो गया, शाम को पुस्तक दी। अब इसमें हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, रवि ने शाम को क्या दिया, पुस्तक दी। रवि शाम दोनों संज्ञा हो गए, कार्य क्या किया उसने, देने का। तो किसने, किसे और क्या, किसने किसे और क्या, प्रश्न में कि किसने किसको क्या दिया, तो किसने यानी रवि ने किसको शाम को क्या दिया, पुस्तक दिया। ठीक है, तो यहां पर जो ने है, रवि ने, आप अपनी पुस्तक इस समय आपने खोली हुई है व्याकरण की और प्रश्न नंबर 76 है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे यहाँ कारक लिखा है, वहां पर ने क्या हो गया, परसर कारक जो होते हैं परसर कहलाते हैं। ठीक है, मैं हाथ से चावल खाता हूँ, मैं हाथ से, एक तो मैं चावल खाता हूँ सीधा, और मैं हाथ से चावल खाता हूँ, तो यहाँ पर से क्या है, कारक चिन्ह परसर। कौन किससे क्या, कौन मैं किससे, हाथ से क्या चावल का, तीनों चीज आ गई। तो ये हो गए इस तरह से उदाहरण से। आगे की उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, कहां से, पेड़ से, कौन गिर रहा है, वह। अब यहां पर पेड़ से यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, कौन और क्या, अब कौन है और क्या कर रहा है। तो ये हो गया आपका संज्ञा सर्वनाम जो कि इसकी परिभाषा है, क्रिया का संबंध उसे कारक। अब कारक के जो भेद हैं वो है 8, कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं, एक तरफ भेद है और दूसरी तरफ परसर है, यानी कौन कौन से इसके कारक यहां पर लगे, ये भेद हो गए और ये चिन्ह हो गए। अब कर्ता, कर्ता के लिए ने, जैसे राम ने या श्याम ने, तो कर्ता हो गया कौन, कर्म कारक को, किसको, कर्ण कारक से, संप्रदान को या के लिए यानी देने का भाव, किसी को कोई चीज देना, देने का भाव कहलाता है। जैसे उसने गरीबों को वस्त्र दिए तो को आ गया, या वह अपनी माता के लिए उपहार लेकर आया तो देने का भाव हो गया दोनों में। अपादन से यानी पृथकता, पृथकता होता है जो अलग होना, पृथक होना, अलग होना, सेपरेशन। तो यहां पर उदाहरण जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहां पर कौन सा कारक आ गया, अपादान का। छठा है हमारा अधिकरण, यानी इसमें कौन सा आएगा कारक चिन्ह, ने और पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है या घर में माँ नहीं है, ठीक है,
ये मैं आ गया। संबंध सातवां जो आया आपका वो आया संबंध। संबंध में आ के की रा रे रि, ठीक है। संबोधन, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, इसमें तो संबंध हो गया एक दूसरे के साथ संबंध। अब यहाँ पर संबोधन जो आठवां है कारक का भी वो है संबोधन। हे अरे और रे,